लोक सेवकों को निम्नानुसार समयमान वेतनमान प्रदान करने के संबंध में लेटेस्ट आदेश जारी होने लगे आदेश। कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इंदौर संभाग इंदौर क्रमांक 6.1 समयमान वेतनमान आदेश 2023/155 इंदौर दिनांक 8 जून 2023। आदेश मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक F11/4/2016 नियम 4 भोपाल दिनांक 7 अप्रैल 2016 के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत मध्य प्रदेश शिक्षा सेवा शाला भर्ती एवं पदोन्नति नियम 1982 में व्याख्याता संवर्ग सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के प्रावधान होने से व्याख्याता संवर्ग को प्रथम एवं द्वितीय उच्चतर वेतनमान दिए जाने के निर्देश तथा मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक F44/1/2017-20 दो भोपाल दिनांक 6 जनवरी 2017 के द्वारा व्याख्याता संवर्ग को समयमान वेतनमान प्रदाय किए जाने हेतु संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को सक्षम अधिकारी घोषित करते हुए अधिकारों के प्रत्यायोजन की स्वीकृति के अनुक्रम में व्याख्याता संवर्ग को मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F11/January 2008 नियम 4 भोपाल दिनांक 24 जनवरी 2008 समय पर प्रसारित वित्त विभाग एवं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 2M229/2019/39 दिनांक 14 जनवरी 2020 एवं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 1R/F10/2014-20/570 दिनांक 29 अगस्त 2020 एवं क्रमांक M19/349/2019-21 7/06/2/08/2021 के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के परिपालन में व्याख्याता पद पर 30 वर्ष का सेवा काल पूर्ण करने वाले व्याख्याता प्राचार्य हाईस्कूल प्राचार्य उमावी को तृतीय समयमान का लाभ देने हेतु विभागीय समिति की बैठक दिनांक 24 मार्च 2022 को आयोजित की गई। उप बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी जिला इंदौर से प्राप्त प्रस्तावों में से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में पात्र पाए गए लोक सेवकों को निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख कॉलम का 06 में अंकित पात्रता दिनांक से तृतीय समयमान वेतनमान पे बैंड 15,600 से 39,100 जोड़ 6,600 ग्रेड पे तत्स्थानी वेतनमान 67,300 से 206,900 लेवल 13 स्वीकृत किया जाता है। आइए जिनको ये लाभ मिल रहा है हम उनकी सूची देखते हैं।